students welcome back this is the fourth video based on the second chapter that is magnetic effect of electric current in physics for class 10 in this video students we are going to study about properties of magnetic field lines first property the magnetic field line originate from north pole and enters the south pole of a magnet हम इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकल रहा है और साउथ में इंटर कर रहा है तो वो उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है सेकेंड एज वी मूव अवे फ्रॉम अ मैग्नेट इट्स स्ट्रेंथ गोज ऑन डिक्रीजिंग यानी कि मान लेते हैं कि ये एक मैग्नेट है बाहर मैग्नेट ले लिए मान लेते हैं कोई भी मैग्नेट हम ले सकते हैं अब हम इस मैग्नेट से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे ही वैसे इस मैग्नेट का स्ट्रेंथ घटता जाएगा जैसे अगर हम मान लेते हैं एक पॉइंट ये लेते हैं पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी तो इस मैग्नेट के नज़दीक में कौन सा पॉइंट है तो आप देख सकते हैं ए है तो ये पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इससे कम होगा और ये पॉइंट इस मैग्नेट से काफ़ी दूर है इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सबसे कम होगा जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ घटता जाएगा और उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं तो सिंपली जैसे ये मैग्नेट है तो हम जैसे एक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ किए फिर इसके बाद ये बनाएंगे ध्यान दीजिए क्या है इसमें डिफरेंस? तो यहाँ मैग्नेट से पहले लाइन के बीच का डिस्टेंस ये देखिए मान लेते हैं एक्स है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है फिर मैग्नेट से दूसरी लाइन का डिस्टेंस देखिए और इस फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन के बीच का डिस्टेंस देखिए ये ध्यान दीजिए मैग्नेट से फर्स्ट लाइन के बीच का डिस्टेंस और फिर इस फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन के बीच का डिस्टेंस देख आपको पता चल गया होगा कि ये डिस्टेंस ज़्यादा है यहाँ से यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस है तो ये ड्रॉ करना ही है क्यों करना है क्योंकि जैसे जैसे मैग्नेट से दूर जाएंगे तो उसका स्ट्रेंथ घटेगा और स्ट्रेंथ घटेगा तो जो डिस्टेंस होगा बिटवीन टू लाइंस वो बढ़ेगा फिर से समझिए अगर हम मैग्नेट से दूर जा रहे हैं तो स्ट्रेंथ घटेगा तो स्ट्रेंथ घटेगा तो कैसे हम कॉपी पर दिखाएंगे तो सिंपली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ाते जाइए जैसे यहाँ इस तरह से ऐसे अगर हम मान लीजिए ड्रॉ की यानी कि इस रीजन में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है कैसे वो डिस्टेंस कम है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घट गया क्योंकि डिस्टेंस इन दोनों के बीच का ज़्यादा है इससे और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ और घट गया क्यों सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा मतलब वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा वेरी इजी वे में थर्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे जैसे ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये एक दूसरा ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे आप देखिए ध्यान से क्यों नहीं करेंगे बिकॉज इफ़ दे डू सो अगर ये ऐसा करता है जैसे यहाँ पर मैगनेटिक फलाइंस इंटरसेक्ट कर लिया तो क्या होगा देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर वुड बी टू टेंजेंट्स तो यहाँ पर हम एक टेंजेंट ये बनाए और एक टेंजेंट ये बनाए टेंजेंट के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हम यहाँ दो टेंजेंट बना सकते हैं और टेंजेंट क्या बताता है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये भी पिछले वीडियो में मैंने डील किया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के हर पॉइंट पर हम टेंजेंट बना सकते हैं और टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा तो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिए इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एक ही ये एक ही पॉइंट है और इसी इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो टेंजेंट्स हम बना लें मतलब दो डायरेक्शन है तो क्या पॉसिबल है ऐसा कि एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन है एंड एक पॉइंट पर इधर भी मैग्नेट मूव करे और इधर भी मूव करे ऐसा पॉसिबल है नॉट पॉसिबल इसका मतलब क्या हम जो शुरू में ले रहे थे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट कर सकता है वो गलत है इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डो नॉट इंटरसेक्टिट अदर आपसे पूछिए क्यों तो बिकॉज देकर ये पूरा आपको लिखना है कि अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो टेंजेंट्स बनेंगे मतलब दो अलग अलग डायरेक्शन्स होंगे एक ही पॉइंट पर विच इज़ नॉट पॉसिबल एक पॉइंट पर एक ही कोई डायरेक्शन होता है दो डायरेक्शंस कभी नहीं होते थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो